ये एक्सरसाइज है 2A, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को पहले समझ लो होता क्या। मान लो कहीं कोई इंटीजर है ए, इंटीजर का मतलब समझ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ में भी हो सकता है, रेशनल नंबर समझ रही है, वो भी इंटीजर, जितना भी इंटीजर है सारा रेशनल नंबर है, तो कोई रेशनल नंबर बोल लो या फिर कोई इंटीजर बोल लो, मान लो वो ए है, ठीक है। और इसका पावर है, चलो इसको अभी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, अभी बिना ब्रैकेट का बात करते हैं, ठीक है। इसका पावर मान लो एन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए इंटू ए डॉट डॉट डॉट, है ना, कितना तक, एन एच टर्म, है ना। जितना पावर रहेगा उतना टाइम से इसको लिखेंगे। अगर यहाँ पावर 5 रहेगा तो हाँ, तो ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, है ना। अगर पावर मान लो 3 रहा तो ए इंटू ए इंटू ए, ये समझ में आ रहा। अगर पावर 2 रहा तो, अगर पावर 1 रहा तो, समझ में आ रहा। अगर पावर 0 रहा तो, तो किसी भी नंबर पर, किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, ये समझ में आया। किसी भी पर अगर बोले 25 पर अगर पावर 1 है तो इसका सॉरी 1 नहीं, क्या 0, अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। अगर मान लो कोई ए इंटीजर है उसका पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1, है ना। एक्स रहे कोई वेरिएबल उसका पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू, ये समझ में आया, क्लियर। इसको दिमाग में बैठा लो, किसी भी डिजिट पर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1, समझ में आया, ठीक। अगर मान लो ए का पावर -1 रहे तो, -1 तो कैसे हो जाएगा, ये 1/a, ठीक है, समझ में आ रहा। माइनस से सीधा अपॉन में आएंगे, 60 ध्यान दो बेटा, ठीक है। अगर मान लो ए का पावर -2 रहता तो 1/a इंटू ए, ये समझ में आ रहा, क्लियर है, ठीक। अगर मान लो कोई रेशनल नंबर गिवन रहता a/b, कोई रेशनल नंबर है और इसका पावर मान लो 2 है और इसका पावर भी 2 है, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a/b और होल पावर 2 स्क्वायर, ये समझ में आ रहा। ये सब मेन जो है वो हम समझा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें करना। अगर कहीं ऐसा लिखा रहे तो उसको इस टर्म में लिख सकते हैं, और कहीं ऐसा रहे तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये समझ में आया, ठीक। अगर मान लो कहीं इस तरह से रहे, ये एक पॉइंट समझ में आ गया, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये समझ लेना फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और ये सेकेंड चीज़ है, ये समझ लो, ठीक है। और ये सब कॉपी में नोट करना है ना, तो ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो कहीं मान लो उसका बेस सेम रहे, एक्सपोनेंट सेम रहे और पावर अलग रहे, है ना, और मल्टीप्लाई में रहे, जैसे ए का पावर हो गया मान लो 4, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है और ये भी ए है और ये पावर क्या है, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बेस को क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और पावर क्या हो जाएगा, 8, 4/2, 8, समझ में आ रहा। अगर मान लो कुछ इस तरह से रहता ए इंटू बी, ठीक है, और इसका पावर 2 और इसका पावर, अच्छा नहीं, पावर सेम करना, पावर सेम है ना, बेस अलग है, इसमें क्या था, बेस सेम था पावर अलग था, है ना। तो बेस को एक ले लिए, अब पावर क्या कर दिए, ए 4/2, 6 ना होगा बेटा, प्लस करना होगा, पावर क्या किए, 8 कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर बेस अलग है और पावर सेम है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो बेस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ए बी, पावर क्या हो जाएगा, 2, समझी।
बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर सेम रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ, बेस सेम रहा और पावर ऐड हो गया, समझ में आया? इसको ये और डिटेल में समझाएंगे, ये पार्ट समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट, है ना। ये अभी और समझाएंगे, इसी पर पूरा क्वेश्चन है। इतना समझ में आ गया? ठीक, मान लो ये फोर्थ पार्ट हम समझा रहे हैं। मान लो कहीं पर है a टू द पावर ऑफ माइनस वन, तो इसको तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वन अपॉन a, है ना। चलो मान लेते इसका माइनस टू रहा होगा पावर, ठीक है। तो क्या हो गया, वन अपॉन वन a टू द पावर ऑफ टू। अगर मान लो इस तरह से रहता, a का पावर माइनस टू अपॉन b का पावर माइनस टू, चलो इसको भी ले लेते हैं, समझ में आ रहा। अब बोलेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो सबसे पहले अगर b का पावर माइनस टू है तो अपॉन में है, याद रखना माइनस टू है। तो देखो ये वन एज इट इज, b का पावर माइनस टू यानी वन अपॉन b, इसका पावर क्या, अब तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको तो नीचे कर दिए ना, वो ठीक है। अब सॉल्व जब हम करेंगे तो वन ये वाला ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई में ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा, वन और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा। तो देखो अगर हम इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल अभी किया ना यहाँ पर, यानी बी इसका अगर अंदर का पार्ट को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। अगर ये ए का पावर माइनस टू है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए का पावर माइनस टू है तो ये नीचे आ जाएगा ना, ए का पावर टू हो जाएगा, और बी का पावर माइनस टू है ये ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो बी का पावर टू हो जाएगा। समझ में आ रहा बात को, हम क्या बता रहे हैं, यहाँ से समझे ना ये कैसे हुआ, अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये बी का पावर टू और ए का पावर पॉजिटिव में आ जाएगा, समझ में आ रहा ये कैसे कि हम बताएं अभी, ठीक है। इवेल्युएट करने बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट फोर और इसका पावर क्या है, माइनस थ्री, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले बताओ तो ये इक्वल है वन अपॉन फोर क्यों, चलो इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, सिक्सटी फोर, फोर इंटू फोर इंटू फोर करके देख लो, है ना। तो थ्री टाइम्स फोर इंटू फोर इंटू फोर, तो फोर फोर जा सिक्सटीन और सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, ये समझ में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, तो फोर नहीं वन अपॉन टू, इसका होल पावर क्या है, माइनस फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है कंडीशन, तो देखो ये वन का भी पावर माइनस फाइव होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी बताए थे, और टू का भी पावर, ठीक है। अगर इसको न्यूमरेटर में ले जाए, इसको डिनोमिनेटर में लेकर आए, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करा लेंगे, इसका टू अपॉन वन, ठीक है, और इसका पावर क्या हो जाएगा, फाइव, ठीक है। अब देखो वन ऐसे छोड़ देते हैं, टू का पावर फाइव, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, टू का पावर फाइव मीन्स टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर टू जा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, ठीक है। तो थर्टी टू तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आ रहा, फोर अपॉन थ्री और इसका पावर दिया हुआ है माइनस थ्री, यानी इसका ऐसे प्रोकर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो पहले तो समझ लो ये फोर पर पावर जो है माइनस थ्री, इस पर भी होगा, और थ्री का भी पावर क्या होगा, माइनस थ्री। इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, थ्री को न्यूमरेटर में और फोर को डिनोमिनेटर में, थ्री कितना टाइम्स, थ्री टाइम्स फोर, ठीक है, ठीक है। तो देखो
ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 64। अच्छा, ये कैंसिल होगा खुद से, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा, तो हम लोग आंसर को यहीं छोड़ देंगे। ये समझ में आया? चलो फोर्थ पार्ट देख लो। -3 और इसका पावर दिया हुआ है -4, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1/3 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो 1 तो एज इट इज, 3 कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। अच्छा -3 है ना, तो -3 रहेगा और इसका होल पावर है 4, ठीक है। तो -3 इंटू, ठीक है, 4 टाइम्स हुआ। तो मल्टीप्लाई करो, 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, ठीक। प्लस का या माइनस का? अच्छा, हम लोग कैसे जानेंगे? तो देखो देखो माइनस और माइनस प्लस, अच्छा चलो ये माइनस कैंसिल और ये माइनस है, ये माइनस कैंसिल, 81 प्लस का आएगा। अगर मान लो कहीं पर इस तरह से रहता और तीनों क्या है माइनस में, 3 × 3, देखो ये माइनस कैंसिल, तब माइनस का 27 आता। तो एक चीज़ ऑब्जर्व की यहाँ पर कि अगर कोई भी इंटीजर है, ठीक है, ए, अगर इसका पावर इवन है, इवन है और ये इंटीजर माइनस में है, ठीक है, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, ये मालूम चला। और अगर कोई इंटीजर है माइनस में और उसका होल पावर कोई ऑड नंबर है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पर गौर करो, इसका पावर कितना है इवन, इवन, तो इसका आंसर कितना में आएगा, प्लस में। अगर ये ऑड रहता तो नेगेटिव, समझ में आ रहा। अगर पावर इवन है और बेस उसका माइनस में है, नेगेटिव है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। अगर ऑड में रहा उसका पावर और बेस में नेगेटिव में है तो उसका सॉल्व करेंगे तो माइनस में ही आएगा। ये समझ में आया? ठीक, चलो क्वेश्चन 2। इवैल्यूएट, ये भी क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जितना भी सिस्टम बताए हैं शुरुआत में सब वही है ना। तो क्या है, 5/3 और इसका पावर गिवन है 2 और इनटू 5/3 और इसका पावर क्या है 2। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड, मल्टीप्लाई में से भी पावर हम लोग क्या करते हैं, ऐड। बेस सेम है तो पावर क्या कर लेंगे यहाँ पर, ऐड। तो 5/3 एज इट इज रहेगा और पावर क्या हो जाएगा, 2+2, समझ में आ रहा। तो क्या आ जाएगा, ये 5/3 और इसका पावर क्या, 4। देखो एक चीज़ समझ लेना, जहाँ कोई नंबर है a और इसका पावर है n और मल्टीप्लाई में भी a है लेकिन इसका पावर क्या है, m, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेस सेम है, बेस ले लिए एक, अब पावर क्या करेंगे, ऐड, n+n, ये ध्यान रहेगा, हाँ, ठीक है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते जाएंगे, मल्टीप्लाई में क्या किए पावर को, ऐड, ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है 2/3 और ये इसका पावर है -3 इंटू 2/3 और इसका भी पावर क्या है, -2। बेस सेम है, ध्यान से देखो पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो देखो एक ये बेस ले लेंगे, ठीक है, पावर में क्या है, -3 और इसमें ऐड कर देंगे किसको,
माइनस टू को, ये समझ में आ रहा? ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन थ्री, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अभी माइनस का थ्री पहले से है, अभी जो माइनस है ना, और टू, माइनस और माइनस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू अपॉन थ्री और इसका पावर माइनस फाइव, है ना, इजी है। ठीक, तो आंसर की वैल्यू से पूरा सॉल्यूशन है ना। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर वन का हम बता रहे हैं, ठीक है, तो फाइव का पावर क्या है, तो देखो फाइव अपॉन थ्री था, होल पावर क्या था, फोर, यानी फाइव का भी पावर फोर और थ्री का भी पावर फोर, फाइव कितना टाइम्स, फोर टाइम्स, थ्री एंड फोर, थ्री कितना टाइम्स, फोर टाइम्स, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, सॉल्व करो, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव, और वन ट्वेंटी फाइव फाइव जा हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और थ्री जा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से इसको करेंगे, तो देखो टू अपॉन थ्री का पावर माइनस फाइव है, यानी इसका रेसिप्रोकल करा देंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, आ जाएगा, तो देखो ये आ जाएगा थ्री अपॉन टू का पावर सॉरी फाइव, ठीक है, यानी थ्री कितना टाइम्स, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, टू कितना टाइम्स, थ्री एंड वन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, मल्टीप्लाई करो, तो देखो थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री जा एट्टी वन, और एट्टी वन थ्री जा कितना होगा, टू हंड्रेड फोर्टी थ्री, ठीक है, और अपॉन में टू टू, ठीक है, तो देखो टू टू जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, टू जा थर्टी टू, यानी अगर हम ऊपर में अगर पावर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू हंड्रेड फोर्टी थ्री अपॉन में थर्टी टू, और ये आंसर यहीं पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक, फाइव अपॉन सिक्स और इसका होल पावर है सिक्स, इंटू फाइव अपॉन सिक्स और इसका होल पावर है माइनस का फोर, समझ में आ रहा क्वेश्चन, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, एट, फाइव अपॉन सिक्स, सिक्स प्लस और माइनस का फोर, यही होगा, तो क्या हो जाएगा, ये फाइव अपॉन सिक्स और इसका पावर क्या हो जाएगा, टू प्लस माइनस, माइनस सिक्स में से फोर गया टू, अब देखो फाइव कितना टाइम्स है, अच्छा प्लस माइनस, अच्छा ये बड़ा है ना, तो बड़ा का साइन, ठीक है, अब देखो फाइव कितना टाइम्स, सिक्स, तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन, हाँ अच्छा सिक्स है थर्टी सिक्स, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को, बहुत आसान है, फोर, नाइन अपॉन एट और इसका होल पावर दिया हुआ माइनस थ्री, इंटू नाइन अपॉन एट और ये है स्क्वायर में, तो बेस सेम है तो पावर एड कर देंगे, अब मल्टीप्लाई में बेस है ना, तो क्या करेंगे, नाइन अपॉन एट एज इट इज और माइनस थ्री प्लस टू, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा, नाइन अपॉन एट माइनस वन, यानी इसका रेसिप्रोकल कराना होगा ना पॉजिटिव करने के लिए, एट अपॉन नाइन और इसका पावर क्या, माइनस वन, यानी एट अप वन, यानी एट अपॉन नाइन, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो ये फोर्थ पार्ट हो गया, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, तो देखो क्या है, फाइव अपॉन नाइन, ठीक है, और इसका पावर है माइनस टू, इंटू
थ्री अपॉन फाइव और इसका पावर है माइनस थ्री इंटू थ्री अपॉन फाइव और इस होल का पावर है जीरो। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले देखो कि किसका बेस सेम है, तो ये फाइव अपॉन नाइन एज इट इज रहेगा, ये माइनस टू इंटू थ्री अपॉन फाइव है और ये भी थ्री अपॉन फाइव है, पावर एड करेंगे तो माइनस थ्री ही रहेगा। ऐसे इसका वैल्यू कितना हो गया वन, अब वन इंटू समथिंग वही रहेगा, ठीक है माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल करा लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइव अपॉन थ्री और हॉल पावर क्या हो जाएगा थ्री। अच्छा इसका रेसिप्रोकल करा लेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर रेसिप्रोकल करा लेते हैं ना, तो नाइन अपॉन फाइव और इसका पावर क्या टू, ये समझ में आया ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले नाइन कितना टाइम्स फाइव इंटू फाइव कितना टाइम्स, ठीक है और थ्री थ्री टाइम्स, देखो इस थ्री से ये नाइन थ्री टाइम्स में, ये थ्री से ये नाइन थ्री टाइम्स में और ये थ्री से एक थ्री कैंसिल, ये फाइव से एक फाइव कैंसिल, ये फाइव से ये फाइव कैंसिल, क्या बचा एक तरफ थ्री बचा सिर्फ और एक तरफ है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, समझ में आया कैसे किया, समझ में आया ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट, चलो सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट, तो ये है माइनस थ्री अपॉन फाइव और इसका पावर दिया हुआ है माइनस फोर और इनटू माइनस टू अपॉन फाइव और इसका होल पावर दिया हुआ है टू और ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो ये माइनस माइनस का पावर तो इसका रेसिप्रोकल करा लो फाइव अपॉन माइनस थ्री। अच्छा इसको ऐसा करते जब सॉल्व कर रहे हैं ना ब्रैकेट हटा देते तो माइनस फोर इज अच्छा फोर हो जाएगा फोर और ये भी फोर और इनटू ये माइनस टू का माइनस टू का पावर टू और फाइव ये पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव नेगेटिव में रहेगा तब तो रेसिप्रोकल करेंगे, समझो रटो मत समझो है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर फाइव कितना टाइम्स, हाँ फोर टाइम्स, तो चलो फाइव इंटू अच्छा इसको इस तरह से सोचो थोड़ा सा और बढ़िया चीज़ समझो है। तो देखो ऐसा करते हैं फाइव का पावर फोर है, ये फाइव का पावर टू है, अगर इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो फाइव का पावर क्या हो जाएगा माइनस टू। तो ध्यान दो कैसे कर रहे हैं, इसको एक लाइन में लिख लेते हैं फाइव का पावर फोर इंटू टू का पावर टू, ऐसे ही होगा ना माइनस थ्री का पावर फोर और इंटू फाइव का पावर टू, समझ में आ रहा है किसका किसका माइनस टू होगा बताओ। तो माइनस टू कहाँ से होगा, ये होगा ना, चलो माइनस टू ठीक है। अब ध्यान दो ये फाइव का पावर फोर है, ये फाइव का पावर टू है, इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं तो फाइव का पावर फोर इंटू फाइव ये ऊपर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा ठीक है, फिर इंटू ये किसका माइनस टू का पावर टू चल रहा और अपन में क्या बच गया माइनस थ्री का पावर फोर ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व इसलिए कर रहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा एड,
तो 4 में अगर हम माइनस 2 को ऐड करते हैं, 5 का पावर 4 प्लस माइनस 2, ठीक है, और इनटू में क्या चल रहा, माइनस 2 का पावर 2 और अपॉन में माइनस 3 2, 4 है ना, चलो 4। अब इसको सॉल्व कर दो तो 4 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 5 का पावर 2 और इनटू 2 का पावर 2 माइनस 2 है ना, चलो माइनस 2 और माइनस 3 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करना आसान है, क्या करेंगे, 5 कितना टाइम्स 2 टाइम्स इनटू और माइनस 2 कितना टाइम्स, ठीक है, अपॉन में माइनस 3 है ना। चलो अब ध्यान दो कैसे करेंगे, सॉल्व करना है ना, तो 5 जा और 4 2 जा 4, ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा है ना, तो 4 और 25 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। अब माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3 जो भी आएगा प्लस में आएगा, अब क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, इवन नंबर है, ठीक, 3 3 9 3 27 3 81, ये हो जाएगा आंसर तुम लोग का, 100/81, तब समझ में आएगा ये 2/3 है, अच्छा ये माइनस का है, ठीक है, और इसका पावर स्क्वायर है और इसका होल पावर है माइनस का 2। तो समझो इसको कैसे करेंगे, अरे तो देखो कैसे करेंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ध्यान देना, मान लो कोई डिजिट है ए, कोई इंटीजर होगा, प्लस माइनस कुछ में भी हो सकता है, और उसका पावर मान लो 2 है और बाहर में भी है एक ब्रैकेट है और इसका पावर 4 है, और जब हमको ए को सॉल्व करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा अगर रहे तो पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, a^8। उसी तरह से हम लोग यहाँ करेंगे, ठीक है, तो देखो ये माइनस 2/3 का पावर 2 है, और यानी ये 2 और ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, -2/3 और होल पावर क्या, माइनस का 4। कैसे आया, तो देखो 2 × -2, समझ में आ रहा बेटा, तो सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा, -2/3 और इसका पावर -4, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये इसका रेसिप्रोकल करा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3/-2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 है ना, यानी ये पावर 3 पर भी है और यही पावर 2 पर भी है, 3 कितना टाइम्स है ना, चलो 4 टाइम हो गया, -2 कितना टाइम्स, ठीक है, अब सॉल्व कर दो, 3 3 9 3 27 3 2 2 4 2 2 2 हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया, कहीं पूछना है, ठीक, सेकेंड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखो क्या है, ये है ध्यान देना, -1/3 और इसका पावर 2 है और यहाँ पर पावर है माइनस का 2 और यहाँ का पावर है -1, कितना पावर है, 3, तो बात तो वही है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो देखो -1/3, ठीक है, तो ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × -2, ठीक है, अब बाहर में पावर क्या रह गया, -1, ठीक है, सॉल्व करो और आगे, तो -1/3
और 2 इंटू माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस 4, और बाहर में भी पावर चल रहा है ना, कितना माइनस 1। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट रखेंगे, अब माइनस 1 अपॉन 3 और माइनस 4 इंटू माइनस 1 होगा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, माइनस 1 अपॉन 3 और पावर में क्या 4, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 1 कितना टाइम्स, तो माइनस 1 भी 4 टाइम्स है और 3 भी कितना है 4 टाइम्स, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 और अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉल्व करो, ये माइनस कितना इवन है ना, तो पॉजिटिव का 1 होगा और ये 81, ये समझ में आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या है, तो ये है 3 अपॉन 2 और इसका पावर है माइनस 2 और बाहर में है स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा, क्या करेंगे इसको, तो 3 अपॉन 2 है तो ये दोनों पावर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन 2 और माइनस का 4 हो गया इसका पावर, इसका रेसिप्रोकल करा दो तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 और पावर क्या 4, यानी ये पावर 2 पर भी है 4 और 3 पर भी है, 2 कितना टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये भी 4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर आ रहा, देखो 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 81, 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्लास में।